गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस सुबह एक वीडियो पोस्ट किया था और भाई और भी एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ आप, क्योंकि भाई गवर्नमेंट आर्कोलॉजी का एक नया नोटिस निकल के आ गया है, तो भाई आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई वीडियो को पहले बता दे तो स्किप मत करना। तो इधर का जो एग्जाम का प्रोसीजर क्या होगा, किसकी डेट में क्या एग्जाम होगा, सब कुछ क्लियर करूँगा आज, ठीक है। एक नया नोटिस निकल के आ गया, उस नोटिस के अकॉर्डिंगली आप लोगों को सब कुछ बोलूँगा मैं। सर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आर्कोलॉजी जो एग्जाम होगा वो 5 अक्टूबर को होगा। 5 अक्टूबर को 12 बजे से उसका एग्जाम स्टार्ट होगा। गवर्नमेंट आर्कोलॉजी जो एग्जाम का प्रोसीजर क्या होगा एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को। करीबन 11:45 तक आपको एक लिंक पे क्लिक करके कॉलेज को वेबसाइट में लॉगिन कर देना है, ठीक है। वैसे आपको स्क्रीन पे देख सकते हो किस लिंक पे क्लिक करना है, स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इधर क्लिक करके बाद आपको कुछ सीरियल नंबर वगैरह चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सीरियल नंबर आपको कहाँ मिलेगा, आपने जब फॉर्म फिलअप किया हो ना उस फॉर्म के ऊपर देखोगे सीरियल नंबर लिखा है, तो भाई उस सीरियल नंबर को उधर देना होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको कुछ पासवर्ड वगैरह चाहिए होगा। वो पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा, कॉलेज आपको पर्सनली ईमेल और एसएमएस पे आप लोगों को सेंड कर देगा वो पासवर्ड। सो गाइस उस सीरियल नंबर और उस पासवर्ड को देकर आपको डायरेक्टली उधर इन कर देना है। भाई इन करने के बाद करीबन 12 बजे आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में ना करीबन एक भी क्वेश्चन हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, साफ साफ लिखा है कि 1 or more than 1 क्वेश्चन भी हो सकता है। तो गाइस क्या करना है, उस सारे क्वेश्चन को आपको आंसर देना पड़ेगा। और गाइस इस नोटिस पे साफ साफ लिखा है कि आपको क्या क्या चाहिए होगा एग्जाम देने के लिए। तो इधर लिखा है कि अच्छा क्वालिटी कुछ पेपर वगैरह आप लोगों को चाहिए होगा, तो मिनिमम साइज है A4, ठीक है। A4 से बड़ा भी हो सकता है बट इससे छोटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ इरेजर, पेंसिल, कटर और कलर वगैरह, जैसे कि कुछ कुछ कलर जैसे कि वाटर कलर, पोस्टर कलर, पेस्टल कलर, कुछ भी कलर वगैरह आपको चाहिए होगा, सब कुछ इधर लिखा है। आपको सब कुछ रेडी करके रखना है। सो गाइस जिस जिस डिपार्टमेंट के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप किए हो उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली आप लोगों को मटेरियल्स वगैरह एकदम रेडी करके रखना है पहले से। जैसे कि जो जो लोग स्कल्पचर के लिए फॉर्म फिलअप किए हो उन लोगों को पहले से अपने जो क्ले है ना वो पहले से एकदम रेडी करके रखना है ना, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा कि आपके पास क्या क्वेश्चन आएगा। तो जो भी क्वेश्चन आएगा आंसर देना पड़ेगा। उस आंसर को देने के बाद आप उसको तस्वीर खींच के एक PDF फॉर्मेट में कॉलेज को वेबसाइट में अपलोड कर देना है। भाई इस PDF का नाम होगा अपना जो सीरियल नंबर है ना, आपका जो फॉर्म का सीरियल नंबर होगा वही इस PDF का नाम होगा। इधर साफ साफ लिखा है नोटिस पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो साफ साफ लिखा है कि भाई नाम मत लिखना, अपना जो नाम है ना वो उधर मत लिखना, अपना जो सीरियल नंबर है वही उधर लिखना है। और गाइस आपको एक सिंगल PDF क्रिएट करना है। इधर साफ साफ लिखा है कि आपको एक सिंगल PDF क्रिएट करना है। वो सिंगल PDF के अंदर आप कितने भी पेज दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट PDF एकदम सिंगल होना चाहिए। तो गाइस और एक इंपॉर्टेंट बात, आपने जो PDF क्रिएट करोगे ना उस PDF का साइज 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अपने PDF का साइज। और भाई PDF का जो नेम होगा वो सीरियल नंबर ही देना है, एकदम मास्ट भाई, ये एकदम मत भूलना, नेम वगैरह उधर मत देना, अपना जो सीरियल नंबर होगा फॉर्म का वही उधर देना है। और भाई इस टोटल एग्जाम प्रोसीड्योर में आपके पास टाइम होगा 2 आवर और एक्स्ट्रा टाइम 30 मिनट होगा, वो कि आपका जो अपलोडिंग प्रोसेस है ना, अपना जो तस्वीर वगैरह खींचोगे उसको अपलोड वगैरह करना है, तो इसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम 30 मिनट दे दिया। सो गाइस आपके पास टोटल टाइम हुआ 2 आवर 30 मिनट। तो भाई इस 2 आवर 30 मिनट में ही आपको सब काम निपटा देना है। आपको जो जो क्वेश्चन वगैरह मिलेगा उसको आंसर भी देना है और भाई उसको PDF बना के कॉलेज को वेबसाइट में अपलोड भी करना है। तो भाई सब कुछ इस 2 आवर 30 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो गाइस इस एग्जाम में जो जो लोग पास आउट होगा उन लोगों का नेम कॉलेज को वेबसाइट में हम लोगों को मिल जाएगा 11 अक्टूबर तक, ठीक। अक्टूबर तक आपको उस कैंडिडेट का नेम कॉलेज को वेबसाइट में मिल जाएगा। भाई नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज आप लोगों को पर्सनली ईमेल और SMS पे सेंड कर दे कि आप लोग एलिजिबल हो, पहला एग्जाम आपने पार कर दिया है। लोग पहला वाला एग्जाम पास किए तो उन लोगों के लिए क्या होगा, एक फाइबर टेस्ट देना पड़ेगा, ऑनलाइन फाइबर टेस्ट होगा। उसका जो डेट वगैरह आपको सामने दिख रहा है एक से एकदम साफ साफ लिखा है भाई किस डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या है, किस किस डेट में फाइबर एग्जाम होगा, सब कुछ लिख दिया गया है इधर, देख लो एक बार, उसके बाद में बताता हूँ। सो गाइस इस ऑनलाइन फाइबर एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह का आंसर देना पड़ेगा। कॉलेज के प्रोफेसर आप लोगों को जो जो क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे उन सबका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि जनरल नॉलेज के ऊपर भी हो सकता है और वही हिस्ट्री ऑफ आर्ट के ऊपर भी हो सकता है। जो जो लोग फाइबर एग्जाम में पास करेगा उन लोगों का नेम कॉलेज को वेबसाइट में आप लोगों को मिल जाएगा। और भाई नेम भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को पर्सनली कॉलेज ईमेल और SMS कर देगा। सो गाइस फाइबर एग्जाम के पास करने के बाद आप लोगों को डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, इतना ही था। सो गाइस आप लोग तो सोच रहे होंगे भाई कॉलेज में क्या क्या क्वेश्चन वगैरह आएगा, कितना हार्ड हो गया ये सिचुएशन, इतना कम टाइम में कैसे एग्जाम वगैरह होगा। ऐसा कोई बात नहीं है भाई, क्या क्या क्वेश्चन आएगा मुझे भी पता नहीं है, बट मुझे पर्सनली लगता है आपको कुछ पेंटिंग वगैरह करने के लिए बोलेगा और कुछ थ्योरी वगैरह की क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि भाई उधर सब सब लिखे कि 1 or more than 1 क्वेश्चन आ सकते हैं। भाई मोर देन वन यानी कि कुछ थ्योरी वगैरह भी आ सकता है, भाई सियोर नहीं हूँ बट आ सकता है। और जो लोग भाई स्कल्पचर में एग्जाम देना चाहते हो तो उन लोगों को स्कल्पचर क्रिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उधर भाई सब सब लिखा है पहले से कि आपको क्ले वगैरह रेडी करके रखना है। तो भाई अब मुझे लगता है कि आप लोगों को स्कल्पचर वगैरह कुछ करने के लिए बोलेगा कॉलेज क्वेश्चन में, ऐसा ही कुछ आएगा कि आपको कुछ इस स्कल्पचर को मेट करके दिखाओ, ऐसा कुछ। और एक बात भाई, मैं 4 अक्टूबर को एक वीडियो पोस्ट करूंगा
कि आपका जो एग्जाम है वो 5 अक्टूबर के, मैं 4 अक्टूबर को सुबह एक वीडियो पोस्ट करूंगा, उधर मैं कुछ टिप्स वगैरह बताऊंगा आप लोगों को भी किस किस को फॉलो करने से अपना जो एग्जाम है ना और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी आप लोग दे सकोगे। अपना जो वाटर कलर वगैरह कुछ भी करने के लिए बोलेगा कॉलेज भाई, वो आप जल्दी से जल्दी आप लोग कर पाओगे और कुछ टिप्स वगैरह मैं बताऊंगा, तो भाई उस वीडियो को जरूर देखना, मिस मत करना उस वीडियो को। और एक बात गाइस, तो इधर एक ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट हो गया है, अपना जो विश्वभारती यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम और गवर्नमेंट कॉलेज का जो एग्जाम दोनों का डेट एकदम सेम हो गया है। ये कैसे हुआ कुछ पता नहीं है, देख सकते हो भाई विश्वभारती यूनिवर्सिटी का जो एमसीक्यू टेस्ट था ना, ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट, वो भी 5 अक्टूबर को ही था और भाई गवर्नमेंट कॉलेज में जो एग्जाम होगा वो 5 अक्टूबर को ही है। सो क्या होगा कुछ पता नहीं है भाई, किसी भी ईयर में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट इस ईयर में कैसे हो गया कुछ पता नहीं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया मुझे पता है। तो क्या किया जाए, देना तो पड़ेगा एग्जाम ना। जो जो लोग दोनों कॉलेज में एक साथ एडमिशन टेस्ट का फॉर्म फिलअप किया उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, क्योंकि भाई एक ही डेट में दोनों कॉलेज का एग्जाम देना पड़ेगा उनको। सो इस एक बात और है कि विश्वभारती यूनिवर्सिटी का जो एमसीक्यू टेस्ट होगा ना उसका कोई एग्जैक्ट टाइम वगैरह नहीं है, ठीक है, वो उसका जो लिखा है सिर्फ 5 अक्टूबर लिखा है। तो भाई उसका जो क्या है, अब 5 अक्टूबर को कभी भी वो एग्जाम दे सकोगे मुझे पर्सनली जो लगता है, और गवर्नमेंट कॉलेज को भाई उधर एग्जैक्टली टाइम वगैरह दे दिया है, क्योंकि भाई आपको 12 बजे से 2:30 बजे तक एग्जाम देना पड़ेगा, एकदम परफेक्टली टाइम उधर दे दिया गया है। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि 5 अक्टूबर को आप कभी भी उसका एग्जाम दे सकोगे, क्योंकि ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइम वगैरह नहीं है ना उधर। बट गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज की बात करें तो उधर एकदम एग्जैक्टली टाइम दे दिया है कि आपको 12 बजे से 2:30 बजे तक ही अपने एग्जाम कंप्लीट करना है। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ, अच्छा लगे तो लाइक करो वीडियो को भी, आपके एक एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें, सो जरूर लाइक करो। और गाइस कुछ भी डाउट वगैरह हो तो भी कमेंट में बताओ, मैं सारे डाउट क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट अच्छे से पढ़ता हूं। कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट में जरूर बताओ। सो गाइस जो जो भी चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर दो, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, तो उससे क्या होगा मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगा। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, बाय।